good morning students welcome back in your english class today we will do our textbook work page number 94 but first of all we will revise our yesterday's work that was in page number 93 in this page number 93 shruti wrote a letter to her friend

रियल टॉय टाउन लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह हमारी कक्षा अध्यापिका मिस रॉय टुक अस हमें लेकर गई ऑन अ स्कूल ट्रिप एक स्कूल की यात्रा पे टू रियल टॉय टाउन एक वास्तव के खिलौनों के कस्बे में दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम on a school trip with all my friends. This was my first time. ये मेरा पहला स्कूल ट्रिप स्कूल की यात्रा थी with all my friends मेरे मित्रों के साथ यानी मेरे सभी मित्रों के साथ ये मेरी पहली स्कूल की यात्रा थी When i reached रीच्ड चन्नपटना जब हम चन्नपटना पहुँचे

खिलौने बनाने वालों की वर्कशॉप भी गए श्रुति ऊषा एंड आए श्रुति ऊषा और मैं मैंने वॉच्ड अ टॉय मेकर पेंट अ डॉल एक खिलौने बनाने वाले को गुड़िया को कलर करते हुए पेंट करते हुए भी देखा ओह आई विश आई कुड मेक सच प्रीटी टॉयज और मेरी इच्छा है कि काश मैं भी इतनी प्यारी प्यारे खिलौने बना सकती बिफोर वी लेफ्ट चन्नपटना हमारे चन्नपटना छोड़ने से पहले मिस रॉय स्टॉप्ड मिस रॉय रुकी एट द टॉय मार्केट एक खिलौनो के बाज़ार में टू बाय सम ब्यूटीफुल डॉल्स कुछ खूबसूरत खिलौ गुड़ियों को खरीदने के लिए एक खिलौनों के बाजार में रुकी फॉर ईच ऑफ हम सभी के लिए आई कुड नॉट वेट मैं इंतजार नहीं कर सकी टू शो इट टू दू मदर अपनी माँ को इन्हें इस को इस इन गुड़ियों को दिखाने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकी यानी मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था वेन आई केम होम जब मैं घर आई आई शोड द डॉल टू माई मदर एंड फादर मैंने अपने माता और पिता को अपनी डॉल दिखाई एंड टोल्ड डैम अबाउट ऑल द फन आई हैड विद माई फ्रेंड्स और जितना भी मज़ा या मनोरंजन मैंने अपने मित्रों के साथ किया मैंने वो सब बातें उन्हें बताई देवर वेरी हैप्पी वे बहुत खुश थे दैट आई इंजॉयड माई स्कूल ट्रिप कि मैंने अपना स्कूल की यात्रा को बहुत इंजॉय किया या मैंने बहुत मज़े किए उस स्कूल ट्रिप में डज़ योर स्कूल टेक टू यू ऑन अ स्कूल ट्रिप्स टू क्या तुम्हारा स्कूल भी तुम्हें स्कूल की इसी तरीके की यात्रा में ले जा के जाता है वे टू दे टेक यू वे तुम्हें कहाँ लेकर गए कहाँ वे तुम्हें कहाँ लेकर जाते हैं आई वुड लव टू हियर योर स्टोरीज टू मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा योर फ्रेंड श्रुति तुम्हारी मित्र श्रुति नाव वी विल डू आवर पेज नंबर नाइन्टी फोर सो टेकआउट पेज नंबर नाइन्टी फोर प्रनाउन सी एसन लुक एट नंबर ए लिसन यानी सुनो एंड रिपीट और दोहराओ दीज वर्ड्स इन शब्दों को कौन कौन से वर्ड्स हैं नाउ यू विल रिपीट दीज वर्ड्स विद मी फर्स्ट वन इज जी आई आर एल गर्ल गर्ल मीन्स लड़की एस एच आई आर टी शर्ट शर्ट मींस कमीज एस के आई आर टी स्कर्ट फर्स्ट एफ आई आर एस टी फस्ट फर्स्ट मींस पहला बी आई आर डी बर्ड बर्ड मींस चिड़िया b u r n burn burn means जलना t u r n turn turn means बदलना c u r l curl curl means घुमावदार या गुंगराले h u r t hurt hurt means चोट पहुँच एस यू आर सर पी आर आई एस ई प्राइज सर प्राइज दीज वर्ड्स यू विल रिपीट अगेन विद मी जी आई आर एल गर्ल एस एच आई आर टी शर्ट एस के आई आर टी स्कर्ट एफ आई आर st first, B -I -R -D b-i-r-d, bird, b-u-r-n, burn, t-u-r-n, turn, c-u-r-l, curl, h-u-r-t, hurt, s-u-r-p-r-i, s-e, surprise. now, Look at next word. Reading aloud. The heading is listen, yani suno, To how means kaise. This text is read out. Now you read with me this text. Then read aloud how Nana celebrated. हर बर्थडे टेक टंस टू रीड इट विद एक्सप्रेसन यानी आपको विद एक्सप्रेशन इसको जोर जोर से रीड करना है कि कैसा कैसे नैने -ने, ने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया नाउ यू रीड विद मी इट इज नैनाज बर्थडे यानी ये नैना का बर्थडे है ग्रांडमा से नैना ग्रांड मा ने कहा नैना आई विलुडे to ग्रांड मा ने नैना से कहा कि वो आई विल टेक यू टू अ टॉय स्टोर टूडे कि मैं तुम्हे आज एक खिलौनों की दुकान पे ले जाऊंगी नैना इज वेरी एक्साइटेड नैना बहुत उजी उत्तेजित है ये सुन के सी सेज उसने कहा ग्रांड मा आई लाइक टू प्ले विद टॉय उसने कहा ग्रांड माँ दादी जी आई लाइक टू प्ले मुझे खेलना पसंद है विद साथ में टॉय ट्रेन्स यानी खिलौने वाली रेलगाड़ी के साथ खेलना मुझे पसंद है ग्रांड पा सेज उसके ग्रांड पा ने जो उसके दादाजी थे सेज वो कहते हैं आई नो मैं जानता हूँ बट दिस टाइम लेकिन इस समय यू विल बाय समिफरेंट उनके दादाजी ने कहा कि मुझे पता है लेकिन इस बार यू विल बाय तुम खरीदोगी समथिंग डिफरेंट यानि कुछ अलग आफ्टर लंच यानि दोपहर के खाने के आफ्टर मीन्स बाद दे गो टू द टॉय स्टोर वे सभी कहाँ जाते हैं खिलौनों के स्टोर यानि दुकान में इन द शॉप यानि दुकान में नैना फाइन्ट्स आ रॉकिंग हॉर्स ने कहा नैना नैना एक रॉकिंग हॉर्स यानि एक बढ़िया रॉकिंग वाला हॉर्स देखती है आई लव इट शी सेज और वो कहती है ये मुझे पसंद है दिस इज सो मच फन इसमें बहुत मज़ा आ रहा है या आता है आई वॉन्ट दिस वन ग्रांड मा सेज नैना हैप्पीली नैना खुशी से ग्रांड मा से कहती है आई वॉन्ट दिस वन मुझे ये चाहिए ग्रांड पास पेज द लेडी इन द शॉप उसके दादाजी दुकान में जो लेडी या औरत होती है उसको पेज करते हैं यानी पैसा देते हैं कि इसका जो हॉर्स नैना ने पसंद किया नाव इट इज टाइम टू गो होम और अब ये घर जाने का समय हो गया है एंड सोज हर न्यू टॉय टू मदर एंड फादर और अपने माता और पिता को ये नया खिलौना दिखाने का समय है तो दिस इज द स्टोरी यू एंड आई रीड इन पेज नंबर नाइन्टी फोर नाओ लुक एट पेज नंबर नाइन्टी फाइव और अपने माता और पिता को ये नया खिलौना दिखाने का समय है तो दिस इज द स्टोरी यू एंड आई रीड इन पेज नंबर नाइन्टी फोर नाउ लुक एट पेज नंबर नाइन्टी फाइव जयपुर इज फेमस फॉर इट्स क्लोथ डॉल्स जयपुर अपनी कपड़े की बनी हुई गुड़ियों के लिए फेमस यानी प्रसिद्ध है द डॉल्स आर वेरी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव और ये जो डॉल्स यानी गुड़िया होती हैं ये बहुत ही कलरफुल यानी रंगीन रंग बिरंगी और अट्रैक्टिव यानी आकर्षक होती हैं दे आर पॉपुलरली नोन एज कठपुतली और ये ये कठपुतली के नाम से प्रसिद्ध होती हैं वुडन डॉल्स आर ऑल्सो फाउंड इन बासी इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ राजस्थान और अभी इस स्टोरी में द टोय टाउन में आपने वुडन डॉल्स के बारे में पढ़ा तो ये वुडन डॉल्स आल्सो फाउंड इन बासी बासी में भी पाई जाती हैं जो कि चित्तौड़गढ़ में है डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट यानि राजस्थान के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में ये बासी नामक एक जगह है जहाँ पर लकड़ी की डॉल्स पाई जाती हैं बोथ काइंडस ऑफ डॉल्स आर यूजली यूज फॉर पपेट सोज एक राजस्थान और जो अभी आपने कठपुतली के बारे में ये देखिए कठपुतली के बारे में सुना या पढ़ा या जो वुडन डॉल्स के बारे में अभी आपने द टॉय टाउन स्टोरी में पढ़ा था उसके बारे में भी ये दोनों ही तरीके की जो डॉल्स हैं वो यूजली यानी साधारणता यूज यानी प्रयोग की जाती हैं पपेट यानी कठपुतली के सोज यानी प्रदर्शन में एक्रॉस राजस्थान यानी पूरे राजस्थान में पूरे राजस्थान में कपड़े की बनी हुई कठपुतली और लकड़ी की बनी हुई गुड़ियों को पपेट के रूप में पपेट सोज में दिखाया जाता है